गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आज के एक और नई वीडियो में। तो सबसे पहले आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सोच रहे हैं कि दशहरे को निकले हुए दो दिन हो गए हैं तो आज बधाई क्यों दे रहे हैं भाई। बात ऐसी है, जब मैं ट्रेन में आया था ना तब दो दिन वीडियो पेंडिंग होगी ना, क्योंकि वहां दो दिन वीडियो डाल नहीं सका इसलिए दो दिन वीडियो पेंडिंग होगी। तो इसलिए भाई दशहरे की बधाई थोड़ा दो दिन लेट आ रही है। अभी सुबह सुबह का कुछ ऐसा हो रहा है, सूर्य देवता निकले हुए हैं और दान अपनी ऐसी हो रखी है ऊपर ना, मतलब ठंडा मौसम हो चुका। अभी रात को काफ़ी ठंड हो जाती है, ओस पड़ती है, तो सुबह सुबह जब सूर्य देवता निकलते हैं ना, जैसे वो घास है ना, वो हरा हरा घास, उसके ऊपर ना पानी की बूंदें लगी हैं, वो ना मोतियों की तरह चमक रही हैं भाई। तो ऐसा होता है सुबह सुबह का नज़ारा। फिलहाल आज देखते हैं भाई दान कटने वाले आते हैं नहीं आते। कंपैन आएगी है कल नू? नहीं, आज भी नहीं आएगी भाई। तो इधर मम्मी जी चूल्हे की लिपाई कर रहे हैं भाई। ये पहले बना दिया था, अभी इसकी लिपाई चल रही है भाई, चमकाया जा रहा है। और ये लोन ही इतने रखनी थोड़ी रह गई बना। अच्छा, ठीक है भाई, इसको ना देर देर सारा चमका देंगे भाई। जैसे लिपाई चल रही है ना, इस सारे को भी लीप देंगे, फिर बढ़िया लगेगा भाई। ये पड़ी है सूखी मिट्टी, अभी भिगोई नहीं है ये वाली, और ये कुछ भिगोई पड़ी है, और ये पड़ी है लो, उठा के ऐसे अंदर रख देंगे भाई यहाँ पर साथ में इधर। तो ठीक है भाई, कंबाइन भी कल को आएगी और जो पेंट करने वाले पेंटर है वो भी कल को आएंगे। कल को फिर डबल काम हो गया भाई, मतलब इधर सामान निकालेंगे या उधर धान कटवाएंगे। चलो देखते हैं, सामान हम सोच रहे हैं सुबह जल्दी उठ के निकाल देंगे ना, जब तक मशीन नहीं आएगी। मशीन आएगी जब ना ओस सूख जाएगी, क्योंकि ओस में चलती नहीं ना, ओस सूखने के बाद आएगी, ओस लगभग 9-10 बजे सूखती है, तब तक तो सामान निकाल देंगे, ठीक है ना। मैं ना जब भी घर आता हूँ एक काम जरूर करता हूँ भाई, जो हमारा इन्वर्टर का बैटर है ना, ये इसमें पानी कम हो जाता है। मैं ही भरता हूँ भाई, कोई नहीं भरता। ये देखो ये नीचे आ गई ना ये वाली, एक सेकंड दिखाता हूँ। ये देखो भाई, जब पानी कम हो जाए ना, ये इसके अंदर होती है इंडिकेटर से होता है, ये धीरे धीरे नीचे चला जाता है। इनमें तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, देखो इसमें तो फिर भी थोड़ी ऊपर दिख रही है ना, इनमें बिल्कुल नीचे चला गया। अब इसको नीचे उतार के इसमें पानी डालते हैं, यहाँ से पानी डालते हैं। ये यहाँ पर ना एक कट सा होता है, इसको ये खोलो ढक्कन और पानी डालते जाओ। सारे ढीले कर लेते हैं पहले, ये कर लिए भाई, घर के ज़्यादातर काम खुद ही करते हैं भाई। ये अच्छा, इनके ऊपर लगाने के लिए रखी है, ये देखो भाई। अभी जैसे जैसे पानी डलता जाएगा ना, बताता हूँ आपको, देखना पानी डलता जाएगा, ये ऊपर उठता रहेगा, देखना ध्यान से देखना। ये देखो भाई, ये उठा, ये देखो उठ रहा है ना, जब ये बिल्कुल ऊपर लग जाएगा समझ लो पानी पूरा हो गया, लो लग गया। ऐसे सभी में डालना है भाई। अभी ना गांव से ना एक गाय ली है भाई, चुन्नू मुन्नू और ना गाय लेके आ रहे हैं, उनसे बड़ी मुश्किल से आ रही है। तो मैं और अरमान जा रहे हैं, एक सेकेंड, ये देखो भाई, ये सूखी तूड़ी में ना ऐसे मिट्टी मिलाई जाएगी मिक्स करके, चूल्हा तैयार करना होता वो कर लेते हैं, या लिपाई करनी थी वो कर लेते हैं भाई। चल चल मान। और भाई जो पहले वाइट डॉगी था ना छोटा सा, वो थोड़े दिन के लिए लाए थे, वो अंकल और का था भाई, वो अपना वापस ले गए थे, उसके बाद कल ये लेके आए हैं। चल 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 क्यों नहीं बना, घुमा घुमा ले भाई, ये लेके आए हैं, पकड़ा है। चलो भाई चल, आ गई उधर दो भाई, अभी तो पहुंच गए, अब कोई चक्कर नहीं है, बोरे हम खुद ही ले आएंगे। लो भाई मिट्टी मिक्स कर दी है तूड़ी में, अब भी अंदर जाके ना लिपाई होगी भाई। ये बड़ा अच्छा लगता है, पुराना सा मतलब कल्चर वैसे के वैसे। ये देखो वो सारा लिंब दिता है, थे पंजाबी में बोलना लिंब दिता, लिंब देना, ये पतला करके लिंब और सही रहना है ना। रोड तो चल मिट्टी च नहीं, वो मैं भी लिंब गिला करना है। पहले हाथ ना पानी से ऐसे गीला कर लेते हैं।
फिर मिट्टी चिपकेगी नहीं। पत्थर बहुत है इसमें। वीरो इधर वेख आ कदी वेख जो थोड़ा लिंबल डे सारा निपट गया, बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ी मिट्टी और होती ना लिया है दी मिट्टी बनिया ना बढ़िया। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी ना थोड़ा सा कोना रह गया था, थोड़ा थोड़ा नीचे से ना खुर्च खर्च के मिट्टी मिल गई है भाई, सारा कंप्लीट हो गया ये देखो। अब बढ़िया हो गया। अब यहाँ खाना बने करेगा भाई, चूल्हे की रोटी, मक्की की रोटी, सरों का साग। अभी ना ये मिट्टी है इसको भी गोना है, फिर उसके बाद ये भी तैयार करनी अच्छे तरीके से, वहां पर लगानी अंदर। तो अभी पता क्या करना है, थोड़ा वीडियो का काम है वो निपटा के उसके बाद हमने जाना कैथल सिटी में, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है ना कैथल, वहां जाना है। वहां से ना अखंड पाठ के लिए कपड़े कुपड़े लेके आने हैं अरमान ने, मैंने, भैया ने, तो वहां जाएंगे। और फिर कल को मशीन आएगी, आज मशीन नहीं आएगी। अपनी नई मंजी बननी शुरू हो चुकी है, ये देखो भाई तैयारियां शुरू हो गई, मंजी बनेगी और मंजी साथ में बनवानी पड़ती है, ये जो रस्सी है ना खींचते रहना पड़ता है, तो थोड़ा साथ में ये भी करवाना पड़ेगा और कैथल सिटी भी जाना है। चलो देखते हैं दोनों काम कैसे होते हैं। फिलहाल अभी सबसे पहले नहाते हैं, थोड़ा रेडी होते हैं, फिर ये काम भी कराएंगे थोड़ा और वहां भी जाके आएंगे, ठीक है ना। लो भाई आप सोच रहे हैं डंडे क्यों पकड़ रखे हैं भाई, जब मंजी बनाते हैं ना तो मंजी में डंडे की जरूरत रहती है, पता किस लिए? इसमें लगाने के लिए भाई, इसे बोलते हैं संगा, संगा बोलते हैं ना पंजाबी में, संगा बोलते हैं जो बना रहे हैं ना इसे संगा बोलते हैं, हिंदी में तो पता नहीं है भाई। देखना ऐसे बनाई, ऐसे ऐसे बनता रहेगा इसमें, हाँ ऐसे करके एक ठीक। पहले ना ये 18 रस्सी ना ऐसे लपेट लेते हैं, नो नो 18 ही हो गए ना, 18 मतलब राउंड लगाने पड़ते हैं इधर से ऐसे 18 लगा के, फिर आधी आधी कर लेते हैं, उनके बीच में से ना ऐसे निकालते रहते हैं, फिर ये ना ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये सारा करना तोड़ तक नहीं, साइडों साइडों में रखना है, यहाँ तक जहाँ तक ये पाइप रहेगा ना वहां तक ऐसा करना, जैसे ये बन गया ना नीचे, जैसे चोटी बनाते हैं ना बालों की वैसे बनानी पड़ती है, उसके बाद फिर भाई ये ऐसे यहाँ पर आ जाएगा और कटेगा नहीं, और फिर ये ना इसके बीच में ऐसे डंडा पा के इसको ऐसे ऐसे वल देंगे, हाँ ऐसे करके फिर इसको ना इधर अटका देंगे साथ में, तो बाद में मंजी बनती है, सारा दिखाएंगे आपको अच्छे तरीके से कैसे बनती है। तो भाई अभी ना जाने के लिए नहाने वाला था, तभी थोड़ा सा काम और आ गया, दिखाता हूँ। तो इधर ना गेहूँ को मतलब आटा पिसवाने से पहले ना ऐसे साफ किया जाता है भाई, पंखा लगा के इसमें जो गंद होता है ना उड़ जाता है, थोड़ा बहुत जो और कुछ भी हो तो भी निकाल देते हैं। फिलहाल अभी थोड़ा सफाई अभियान चल रहा है, यहाँ से ईंटे उंटे पड़ी थी वो उठा दी, अभी ना इसके साथ कसी बोलते हैं इसके साथ ना सारी सफाई कर दे। चुन्नू आइए, आप पकड़िए फोन, फोन पकड़िए,
भाई आज दशहरा है ना, तो दशहरे में जलेबियां लेके आते हैं हमारे इधर। अभी जलेबी भी लेके आएंगे। आहो चलना नहीं करता जाना माना है? जाना है। आहो तो भाई अभी दिखाता हूँ आपको उस डंडे का क्या यूज है जो लेके आया था ना मैं। ये देखो भाई ऐसे इसको लपेटो, यहाँ से सारा रेडी कर दिया ताकि ये कटे ना भाई। ला ऐसे लग जाएगा। अब जब बन जाएगी फिर डंडा निकाल देंगे। ये जो सलबट है ना ये ऐसे कैसे लगे रह जाएंगे। वरी बोल दें, वरी है ना बच्चा बच्चा क्या क्या नाम रख रखे हैं भाई। चल भाई खिंचा किनू इनू किनू खिंचा इनू। अच्छा हाँ भूल गए। नहा के रेडी हो चुके भाई कपड़े लेने जाने के लिए। अब बिना अरमान को पूछता भी रेडी हो चुका कि नहीं। और भाई इधर ना इतनी चारपाई तैयार करके सारे सो गए भाई थक गए। तो ऐसे शुरू हो जाती है भाई, मतलब एक दिन तो लग जाएगा ना, है ना। अगर ना लगातार लगे तो फिर 5-4 घंटे में बन जाती है, नहीं तो अगर ऐसे आलस करे फिर तो चाहे जितने दिन मर्जी लगा लो भाई। अरमान को पूछता हूँ रेडी हो चुका है नहीं। और भाई तो ट्रैक्टर भी आ गया, पता क्यों? क्योंकि जो पशुओं का चारा लगाते हैं ना सर्दियों का, उसके लिए खेत तैयार करना ये वाला सारा, तो इसलिए ट्रैक्टर आ चुका है। किधर है माड़ा? माड़ किधर है? नहाने आ गए। हाँ स्टोर की कर रहा है। मन हो गए तैयार चलिए। नहीं आया इतने भी कौन नहीं आया, इधर नहीं आया, पता नहीं किधर गया। वही इधर ना अरमान ने ऑनलाइन मंगवाया था जो सोफा भी बन जाता है और बेड भी बन जाता है ऐसे फोल्डिंग वाला उल्टे काम करता रहता ला। ये बन गया इसका पूरा गद्दा अभी इसको फिर से फोल्ड कर देते हैं लाभी अभी सोफा सेट बन गया भाई ठीक है ना। अच्छा नहीं है ना, मतलब हार्ड सा है थोड़ा। रेडी हो चुका है अरमान भी और भैया भी साथ में जा रहे हैं। और भाई समस्या हो गई हेलमेट वाली, भाई बिना हेलमेट के कैसे जाएंगे? हेलमेट मेरा टिकलू भाई घर पड़ा है और आसपास किसी के पास है भी नहीं, ज़्यादा यूज नहीं करते ना, क्योंकि गाँव में आना जाना लोकल ही जाना आता है, आसपास ही जाना आना आता है, तो बहुत कम हेलमेट रखते हैं भाई। चलो देखते हेलमेट है ही नहीं। फाइनली भाई हमारी डिस्ट्रिक्ट कैथल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है भाई। सिटी के ना ज्यादा अंदर नहीं जाना क्योंकि जो दुकान है ना वो बाहर बाहर ही है, ज्यादा दूर नहीं है, बस सामने ही होगी कितनी 500-700 मीटर। तो भाई कपड़े लेते लेते ना काफी टाइम लग गया, पसंद ही नहीं आ रहा था कोई भाई, बट फाइनली कपड़े ले लिए। अभी जल्दी जल्दी चलते हैं भैया के, काफी कॉल आ गया है क्योंकि दान बेचने जाना ना इसलिए भाई, तो जल्दी जल्दी चलते हैं भाई। तो भाई बात पता क्या, जब कपड़े लेके मैं आ रहा था ना तो रास्ते में भैया का कॉल आया चाचा जी के लड़के का, बोला भी मेरे पास आ जा गाड़ी लेके जानी है, तो फिर उसके साथ गाड़ी लेके आया, तो इसलिए मैं बाद में। अरमान और पहले आ चुके हैं और माते जलेबियां भी लेके आए, दशहरा है ना तो घर वाले बोले जलेबियां लेके आना, तो जलेबियां लेके आए भाई। लेट हो गया, अंधेरा हो चुका है, अंधेरा मतलब हल्का हल्का होना शुरू हो गया, सनसेट हो चुका है भाई। जलेबी ओके चलो भाई अभी जलेबी खाते हैं। जलेबी गर्मा गर्म बढ़िया, दशहरे पे हमारे जलेबी लाते हैं भाई चलो भाई जलेबी खा ली भरपेट, मजा आया काफी दिन, क्या पता साल ही हो गया, साल से ज्यादा हो गया, हाँ साल ही हो गया लगभग जलेबी खाए को, आज खाई है। और इधर भाई पशुओं के चारे के लिए ना खेत तैयार किया जा रहा है, देखो भाई।
और भाई इस बार ना दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाई ये अखंड पाठ चल रहा ना हमारे पड़ोस में, तो हमारे पड़ोस में ना डेथ हो चुकी थी किसी की, इस चक्कर में इस बार ना दिवाली सेलिब्रेट नहीं करेंगे। हमारे मतलब ऐसे ही होता अगर कहीं डेथ हो जाए ना तो दिवाली नहीं मनाते भाई, तो दिवाली तो मनाएंगे नहीं। अभी क्या करना है, कुछ नहीं है, बस सूर्यदेव तो अस्त हो गए हैं, चंदा मामा वो सामने, और ऐसा कुछ शाम का माहौल है। तो भाई रात के 8 के करीब का टाइम हो चुका, खाना पीना अपना हो चुका भाई, और आज ज़्यादा कुछ काम तो था नहीं, बट कल का काम काफ़ी हो जाएगा। कल को एक तो मशीन आएगी जीरी काटने वाली, बोल तो रहे हैं आएगी नहीं आएगी पक्का पता नहीं है, और दूसरी बात भाई कल को पेंट करने वाले भाई लोग भी आएंगे, तो कल को काम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा अपना। तो देखते हैं भाई क्या क्या काम होता है क्या क्या नहीं होता। और धान अपनी अभी तक मतलब बिक तो चुकी है पर अभी तुलाई नहीं हुई भाई, ऐसी पड़ी है वहाँ सेलर में और गांव में, ते कल शायद वो भी तुल जाए, बाकी तुले ना तुले ये दूसरे वाले तो कटवानी है नहीं तो खराब हो जाएगी, बिल्कुल धरती से ना चिप चुकी है, पता नहीं मशीन कैसे उठाएगी भाई, बिल्कुल खराब हो रखी है, कटवानी तो पड़ेगी। तो ठीक है देखते कल क्या क्या काम होता है, जो भी होगा आपको अच्छे तरीके से दिखाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।